खड़गपुर आईआईटी एलबीएस हॉल में छात्र का फंदे से झूलता देह देख पूरे कैंपस में मचा हड़कंप। खड़गपुर आईआईटी का छात्र फंदे में झूलता मिला। जानकारी के अनुसार मंगलवार की आईआईटी कैंपस के लाल बहादुर शास्त्री हॉल में एक छात्र की फंदे से झूलती देह देखते ही सहपाठियों व प्रशासन में सनसनी फैल गई और छात्र को तुरंत फंदे से उतार कर आईआईटी के बीसी रॉय टेक्नोलॉजी अस्पताल में ले गए। तब तक किरण के देह में प्राण था, जहाँ चिकित्सकों ने छात्र को बचाने की भरसक कोशिशें की मगर बचा नहीं पाए। जानकारी के अनुसार के किरण चंद्र 21 आईआईटी के 21 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ वर्ष का छात्र था, जो तेलंगाना के मेदक जिले के तुपरान गांव का रहने वाला है। घटना की खबर सुन पिता व अन्य परिजन खड़गपुर बुधवार को पहुंचे। खड़गपुर शहर थाना पुलिस के आईआईटी टीओपी पुलिस शव को बरामद कर मामले की जाँच में जुट गई है। शव को अंत्य परीक्षण के लिए मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ अंत्य परीक्षण का वीडियोग्राफी कराया जाना है। आईआईटी प्रबंधन का कहना है कि मंगलवार की रात 7:30 तक अपने छात्रावास में किरण चंद्र अपने दो सहपाठियों के साथ था। उसके बाद दोनों दोस्त पढ़ाई के लिए चले गए, जबकि बाद में छात्रावास के सहपाठियों ने रात 8:30 बजे रूम को भीतर से लॉक पाया, जिसके बाद जबरन दरवाजा तोड़ देखा तो किरण को फंदे में झूलते हुए पाया। अस्पताल में 11:30 बजे किरण ने दम तोड़ दिया। इधर खड़गपुर पहुंचे पिता चंद्र केथावत का कहना है कि किरण पर प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सबमिट करने का दबाव था, संभवतः इसी कारण उक्त घटना घटी। पता चला है कि किरण का भाई भी आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है। घटना से आईआईटी परिसर में शोक व्याप्त है। खड़गपुर टाउन थाना प्रभारी राजीव कुमार पाल का कहना है कि यूडी केस हुआ दर्ज कर मामले की जांच कर रही है, वह परिजन शव का अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर तेलंगाना के लिए बुधवार को ही रवाना हो जाएगी। मर के जा रहा, इतना स्ट्रेस कई को है, इतना हमारा आईआईटी में इतना बच्चे को सफर कर रहा, कुछ है तो बच्चे को बोलना, एक नहीं तो दो बार बोला, दो नहीं तो तीन बार बोल के उसको एक है। क्या लग रहा है, कोई कुछ नहीं हो, प्राजेक्ट लिए जो दबाव बोझ हो गया, स्ट्रेस हो गया बच्चे। आईआईटी के साथ बात करो आप लोगों के साथ, आईआईटी तेलंगाना है मेरे, बहुत नुकसान है इधर तो। इधर कोई सही आदमी नहीं है, कोई सही आदमी नहीं है, कोई पुलिस वाले कोई सही कोई नहीं। कल सवेरे आया हैदराबाद से, अब तक कोई आदमी हमारे को ये हेल्प नहीं करे। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर भी सामने नहीं आ रहे। आपका बच्चा सुसाइड कर सकता है, क्या लग रहा है? हमारे बहुत दिक्कत लग रहा है सर। इतना गांव से हैदराबाद से बाहर से आए हैं बच्चा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे का माँ बाप तो इन्फॉर्म करना पड़ता ना, थोड़ा बहुत तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहे, देखो ऐसा कुछ भी करो, हम हेल्प करेंगे बोल के बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब तक भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी IIT लगा है, फायदा भी नहीं है, इतने दूर से आए जाके। ये मर्डर है या मर्डर नहीं? मर्डर नहीं होता है सर, सुसाइड है। दबाव प्रेशर में आ गया था आपका बच्चा? प्रेशर में नहीं है सब, जो भी पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजे थे हैदराबाद से इधर, वो कोई प्रोफेसर बोला करते कुछ प्रोजेक्ट वर्क करो तो ठीक है, कर तुम बोलते, उसका मिजाज ठीक नहीं था, वो हो गया था। आप लोगों के साथ का लास्ट कब बात हुआ था? मैंने किया था, मेरा भाई किया था। कब बात हुआ था? कल किया था, कल किया था, मरने के पहले किया था। कुछ बताया? क्या बताया उन्होंने? पता नहीं सर, भाई से बात करना है। कब आया वो वहाँ से? हम सुबेरे 7:00 बजे ऐसा कलकत्ता। लड़का कब आया? लड़का 24 तारीख आया सर। 24 तारीख वहाँ पर कोई दिक्कत होता? उधर कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, उसका कोई स्टोन था पेट में, उसका ऑपरेशन बना दिया, बनाने के बाद उसका कोई प्रोजेक्ट वर्क बोल के बोला था, फिर तुरंत इधर भेज दिया पढ़ाई के लिए। प्रोजेक्ट का बहुत प्रेशर था। हाँ, प्रोजेक्ट हाँ। जो भी प्रोजेक्ट वो साहब बताया था, वो प्रोजेक्ट का बहुत टेंशन हो गया, डिप्रेशन में जाके थोड़ा हैंगिंग कर लिया था। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम दशरथ है सर। आप कौन है? वो चिच्चा लगता मैं उनका। क्या नाम है? दशरथ। Thank you.
हाँ।